हाँ दिया, दो बज गए क्या? देखिए देवर जी आते ही होंगे। टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं, मेघालय की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि वहां का जो पारंपरिक एक वाद्य यंत्र है वो बजाया जा रहा है जिसका लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप देख सकते हैं और खुद भी बल्कि इसमें हाथ आजमा रहे हैं। और इसी खबर पर और विस्तार से बातचीत हम करते हैं, हमारे राजनीतिक संपादक हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमिताभ सिन्हा। अमिताभ, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर किस तरह लुत्फ उठाते हुए वहाँ का पारंपरिक जो वाद्य यंत्र है खुद बजाते हुए भी हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख पा रहे हैं, हालांकि उनकी ये शैली हम पहले भी देख चुके हैं। देखिए कुछ नया नहीं है, प्रधानमंत्री का इस तरह से लोगों के साथ जोड़ना और इस तरह से ये नगाड़े बजा रहे हैं उस जगह जाकर, ये साफ दिखाता है कैसे उस नॉर्थ ईस्ट की जनता के साथ वो जुड़ने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री का ये नई शैली और नया अंदाज नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपको याद होगा जब ये जापान गए थे वहां जापान में भी उन्होंने वहां परंपरागत शैली में जाकर ढोल बजाया था और वहां के लोगों से काफी वाहवाही लूटी थी। तो दो चीजें इससे साफ होती है, एक तो लोगों के बीच जाना, आदिवासियों के बीच जाना, उन लोगों के साथ सीधा तार जोड़ने की कोशिश करना। जिस तरह से पूर्वोत्तर के राज्यों में प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की पूरी कैबिनेट का फोकस है, हर हफ्ते हर दिन कोई ना कोई मंत्री नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर रहता है, नॉर्थ ईस्ट में कम्युनिकेशन का बढ़ावा देना है, तो जाहिर तौर पर ये प्रधानमंत्री की ये अनूठी पहल है जो कि लोगों के साथ खासकर लोगों के पूर्वोत्तर के राज्यों को दिल्ली से सीधा जोड़ने की यह कवायद है और प्रधानमंत्री और पूरे 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 बीजेपी सरकार की यही कोशिश रही है। और प्रधानमंत्री नगाड़े जहां तक बजाने की बात है, प्रधानमंत्री की शैली नहीं है, संघ में भी उन लोगों को ऐसी शिक्षा मिलती है कि ट्रम्पेट और ड्रम्स बजाने की शिक्षा उनको मिलती है जब उनकी जब साल के अंत में दशहरे की झांकी और रैलियां निकलती हैं। तो जाहिर तौर पर ये पुराना अंदाज है, पुरानी शैली है, लोगों के साथ सीधा तार जोड़ने की। बिल्कुल अमिताभ, इसके अलावा आपसे जानना चाहेंगे कि और आज दिनभर का क्या कुछ और हम यहाँ कार्यक्रम देख सकते हैं पीएम का? देखिए कल सारे दिन नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की मीटिंग थी, कल पूरे दिन प्रधानमंत्री उसमें व्यस्त थे। तो एक चीज तो जब से ये सरकार बनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, नॉर्थ ईस्ट पर काफी ज्यादा फोकस है। अगर कम्युनिकेशन का बढ़ावा देना हो, अगर सड़क का मामला हो, चाहे रेल यातायात को बढ़ावा देना हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में फंड्स का मामला हो, ये तमाम चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और जाहिर तौर पर एक चीज के पीछे राजनीति भी नजर आती है, क्योंकि बीजेपी का विस्तार इन पूर्वोत्तर के राज्यों में अब तक नहीं था, संघ लगातार काम करता रहा है पूर्वोत्तर के राज्यों में, खासकर आसाम से लेकर तमाम राज्यों में, लेकिन बीजेपी का भी विस्तार नहीं था। तो कम से कम इस बहाने सरकार के कामकाज का भी विस्तार हो रहा है और बीजेपी का विस्तार हो रहा है, तो थोड़ी राजनीति भी है और थोड़ा पूर्वोत्तर के राज्यों का फायदा भी है। खुद प्रधानमंत्री ने भी इस ओर ध्यान दिलाया था, अगर हम यहाँ पर पर्यटन की बात करें, जिस तरह से उन्होंने कहा था कि एडवेंचर पर्यटन जो है वो बढ़ा सकता है रोजगार के मायने, तो हम अगर इस तरह से देखें तो आप क्या देखते हैं? देखिए दो तीन चीजें साफ है, नॉर्थ ईस्ट काफी खूबसूरत इलाका है, पहाड़ी इलाका है, जंगल है, नदियां हैं, इन सबको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। पूर्वोत्तर काफी अगर आप देखा जाए तो दिल्ली से और बाकी देश के दूसरे हिस्सों से बिल्कुल कटा हुआ था। अगर ये वायु मार्ग को छोड़ दे तो सड़क मार्ग भी काफी दुर्गम है उस तरफ जाने का। अगर रेल यातायात की बात माने तो असम से आगे यातायात अब बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो पूर्वोत्तर जो कटा हुआ था, पूर्वोत्तर के राज्य जो बर्मा और बांग्लादेश से लगे हुए, वहां जिस तरह से
तरह से आतंकवाद लगातार बढ़ता जा रहा था, चीन की सीमा से लगा हुआ अरुणाचल है वहां काफी तनातनी लगातार सीमा पर बनी रहती थी, तो ये जो कम्युनिकेशन जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बढ़ाए जा रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री दौरे कर रहे हैं लगातार नॉर्थ ईस्ट के, तो ये नॉर्थ ईस्ट के लोगों को सीधे बल्कि एक हफ्ते के भीतर ये दूसरा दौरा है अमिताभ। बिल्कुल आसाम तो लगातार प्रधानमंत्री लगातार जाते रहे हैं, आसाम में पार्टी की सरकार भी बन गई है और नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट काउंसिल बना दी गई है जिसका नेतृत्व तो हेमंत बिश्व शर्मा कर रहे हैं जो कि वित्त मंत्री बने हैं आसाम के। तो जाहिर तौर पर जो तमाम राज्य हैं उनमें आतंकवाद को रोकना, उनमें तमाम जो आदिवासी इलाके हैं उनमें जो खटपट चलती रहती है उनको रोकना, जब तक विकास के कार्य और कम्युनिकेशन के रास्ते उस इलाके में नहीं खुलेंगे तब तक ये मुश्किल साबित होगा। तो जाहिर तौर पर ये दिलों के तार जोड़ने की कोशिश है और ये अच्छी पहल है। बिल्कुल, दिलों के तार जोड़ने की कोशिश है और ये हम प्रधानमंत्री का अंदाज दिखा भी रहे हैं। हालांकि ये जो अंदाज है ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा है प्रधानमंत्री इस तरह के अंदाज को प्रधानमंत्री के। आप देख सकते हैं कि वो जो उनका वाद्य यंत्र है आदिवासियों के बीच, इस वक्त आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद भी वो इसमें हाथ आजमा रहे हैं, ड्रम बजाते हुए नजर आ रहे हैं। आप यहां तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम मीडिया भी इस वक्त वहां पर मौजूद है और उनके हर एक पल को कैद कर लेना चाहता है। आपको बता दें कि मेघालय का ये दूसरा, आज उनके दौरे का ये दूसरा दिन है। पिछले एक हफ्ते के भीतर हम देखें तो प्रधानमंत्री का ये पूर्वोत्तर का दौरा उन्होंने किया है, एक हफ्ते के भीतर अगर देखें तो ये दूसरी बार है और हम ये अंदाज आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। हालांकि आपको जिस तरह से हम बता रहे हैं कि कल पूर्वोत्तर परिषद में उन्होंने जब संबोधन दिया तो तमाम ऐसी बातें कही, तमाम वो सारी चीज़ें थी और जिस तरह से हम यहाँ पर अपने सहयोगी अपने राजनीतिक संपादक से यहाँ पर बात कर रहे थे, पर्यटन पर भी उन्होंने खासा जोर देने की यहाँ पर बात की। उन्होंने कहा कि ये जो एडवेंचर पर्यटन है वो रोजगार जो है उसको बढ़ावा दे सकता है, तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर वेंचर फंड, स्टार्टअप्स और जो कौशल विकास है उसके जरिए भी रोजगार पैदा करने में मदद करना चाहिए, इस तरह की वो तमाम बातें कही। तो ये तस्वीरें हम यहाँ पर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और अगर देखें तो कुछ खासा ध्यान इस वक्त दिया जा रहा है पूर्वोत्तर में। अगर हम यहाँ पर देखें श्रीलंका के एलिफेंट हम उसकी बात करें तो यहाँ पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, तो आप ये दो तस्वीरें दो कैमरे की नजर से यहां पर देख सकते हैं, तस्वीरें हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। अमिताभ सिन्हा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, पल पल की हम तक अपडेट दे रहे हैं, कुछ और ऐसी चीजें कुछ और ऐसी बातें हम सीधे जानते हैं अमिताभ से। अमिताभ देखिए ये एक चीज तो कही जा सकती है कि ये नॉर्थ ईस्ट जो इलाका है, मैं हमेशा से ये पूर्वोत्तर के राज्य कटे रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि सरकार बनने के बाद भी इस इलाके में बहुत ज्यादा फोकस रहा है एनडीए सरकार का, नरेंद्र मोदी सरकार का। मैं आपको बता दूं तमाम मंत्रियों की ड्यूटी लगी हुई है कि कोई भी हर राज्य में विजिट करें, हर राज्य में दौरे करें, विकास के काम को इलाकों में पहुंचाएं। आपको याद होगा सड़कों के लिए सबसे ज्यादा ऐलान इन इलाकों में हुआ है, नितिन गडकरी ने खुद किया इस इलाके के लिए। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जिसको कहते हैं डिजिटल इंडिया के लिए टेलीकॉम टावर्स लगे हैं, इधर टेलीकॉम को भी काफी बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन एक चीज है, गारो खासी जो भी ट्राइबल्स हैं यहाँ पर उन इलाकों में प्रधानमंत्री गए हैं, उनको जोड़ने की कोशिश हो रही है। तीसरा, इन ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं नगाड़े बजाते हुए प्रधानमंत्री की, ये भी काफी संदेश देता है उन इलाकों में, खासकर नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में। आपको याद होगा चाहे वो नागालैंड हो चाहे मणिपुर हो, ये दोनों राज्य काफी अहम महत्वपूर्ण रहते हैं, क्योंकि बर्मा से सटे हुए दोनों राज्य, यहाँ काफी ज्यादा आतंकवाद है यहाँ पर। प्रशासन भी कहा जाता है कि प्रशासन को भी इन राज्यों में शासन करना मुश्किल होता है, तो इन राज्यों को अगर इन जोड़ने की कोशिश करनी है तो ये सरकार को ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और यही कारण है कि प्रधानमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं और ऐसे संदेश दे रहे हैं कि बिल्कुल एक संदेश देने की यहाँ पर कहीं ना कहीं कोशिश भी। तो पूर्वोत्तर में बहेगी विकास की गंगा, ये दो तस्वीरें हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें यहाँ आप देख सकते हैं, मेघालय के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर चाय पीते हुए तमाम लोगों के साथ यहाँ पर पूरे अपने पारंपरिक प्रेस में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इससे पहले आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ड्रम बजाते हुए, ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं है, जिस अंदाज की हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, ये पहली बार नहीं है जो
अब यहाँ पर उन आदिवासियों के बीच, खासी आदिवासियों के बीच प्रधानमंत्री थे और ड्रम बजा रहे थे। कुछ ऐसा ही नजारा हमने टोक्यो में भी देखा था, जापान में भी देखा था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर थे। वो खुद को रोक नहीं पाए और खुद वहां थाप से थाप मिलाते हुए आप यहां देख सकते हैं। तो दो तस्वीरें हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जब वो शिलांग में थे, एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने कहा था संबोधित करते हुए कि अभी पूर्वोत्तर में बहुत कुछ करना बाकी है। उन्होंने कहा खुद कि मैंने जो नॉर्थ ईस्ट पॉलिसी जो है उसको बढ़ाया है, पूरे हिंदुस्तान को नॉर्थ ईस्ट आने का एक नशा चढ़ सकता है। विकास की यहाँ पर बात की, पर्यावरण की यहाँ पर, और रेल मार्ग को जो जोड़ने की यहाँ पर बात है, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर हमने कल देखी शिलांग में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त थे। तो उन्होंने ये भी कहा कि एक बार अगर यहाँ पर कोई आना शुरू करेगा, क्योंकि बहुत खूबसूरत ये जगह है, वहाँ की सुंदरता का बखान करते हुए कि बहुत खूबसूरत जगह है, और यहाँ पर आने का अगर एक बार किसी को नशा चढ़ जाए तो फिर वो बार बार यहाँ पर आएगा। तीन तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब ड्रम पर हाथ आजमाते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब से थोड़ी देर पहले वहां खासी आदिवासियों के बीच थे, उसके बाद अब चाय की चुस्की लेते हुए सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब जापान में, जब उस वक्त वो थे मौजूद, तो उन्होंने किस तरह ड्रम बजाया था। एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा, खबरों का सफर जारी है।